नमस्ते, मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। समर सीजन आ चुका है और मेरे पसंदीदा यानी कि फेवरेट सीजन्स में से एक है गर्मियों का ये मौसम। लेकिन ये मौसम अपने साथ बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आया है, वो परेशानियां जिनको लेकर आप सभी को अवेयर होना, जागरूक होना जरूरी है। देखिए, गर्मियों के मौसम में दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। रातें छोटी होने का मतलब हमारा जो स्लीप का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, सोने का टाइम कम हो जाता है। और ऐसे में जिन लोगों को खर्राटों की समस्या है, उस वजह से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की समस्या आपको बनी रहती है। और ऐसे में जो लोग रात को ज़्यादा खर्राटे लेते हैं तो कई बार उनकी नींद खुलती है, ब्रीदिंग का जो फ्लो है बॉडी में वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता। और यही डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग फ्लो की वजह से ब्रेन में कई तरह के लोचे होते हैं, उनमें से एक है डिमेंशिया। और उससे उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। इसका मतलब जब खर्राटे लेते वक्त हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गड़बड़ होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की परेशानी हो सकती है। और उसे आप ऐसे समझिए कि ब्रेन में ऑक्सीजन और खून का सप्लाई कम होना। अब ये परेशानी तो बहुत बड़ी है, और इस बहुत बड़े परेशानी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिमेंशिया के ख़तरे से अपने दिमाग को कैसे बचा सकते हैं, अपने ब्रेन को, उसकी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं और साथ ही अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं, आज उसी की बात होगी। कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, प्राणायाम कौन कौन से करने हैं जो आपके दिमाग में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन रखें। और कहते हैं ना कि अगर बॉडी और ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं और किसी भी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो आज मैं 3 प्राणायाम और 2 योगाभ्यास बताऊंगी जो हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों में बैलेंस भी बनाते हैं। और जो ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है अक्सर लेस एक्टिविटी की वजह से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट जब कम होता है, जब हम सांस अच्छे से नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में नहीं पहुँचती है, सप्लाई ऑक्सीजन का ब्रेन में पूरा नहीं हो पाता है, तो उस कारण ये जो तमाम परेशानियाँ होती हैं। और बढ़ती गर्मी की वजह से जो हीट स्ट्रेस हमारे दिमाग में पड़ रहा है, जिससे सोचने समझने की क्षमता कैपेसिटी कम हो जाती है, उससे भी कई तरह की परेशानियां होती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, जो गुड अच्छे हार्मोन्स होते हैं एंडोर्फिन डोपामिन उनका रिलीज कम होता है, बैड हार्मोन्स का रिलीज होना ज़्यादा हो जाता है। और खाने में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं, जैसे कि मीठा, कोटेड बहुत सारा शुगर वाला मीठा मूड अपलिफ्ट करती हैं, लेकिन हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हैप्पी हार्मोन को रिलीज करने के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें उसी की मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले एक स्टडी के बारे में आपको और बता दूँ। देखिए, एक स्टडी तो ये कहती है कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ रहा है तो आप बीमारियों के 10% खतरे को और ज़्यादा महसूस करेंगे अपने शरीर में अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। और एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, रेगुलरली वर्कआउट करेंगे, रेगुलरली 10 से 15 मिनट प्राणायाम करेंगे, तो आप इन सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राणायाम से। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाइए, यानी कि सुखासन में। और उसके बाद अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले हम 2 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे। जब ब्रीद इन करेंगे तो नाक से सांस लेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो नाक से सांस बाहर छोड़ेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए आपके जो ये दोनों मिडल और जो आपकी दूसरी फिंगर है ये ऐसे बंद रहेंगे, फर्स्ट फिंगर, पॉइंटर और मिडल फिंगर अंदर की तरफ बंद रहेंगे, बाकी 3 उंगलियां खुली रहेंगी। आपका अंगूठा आपकी दाईं नाक में, राइट नोज पे, और आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपकी लेफ्ट नोज पे आएगी। और किसी भी योगाभ्यास की या प्राणायाम की हम शुरुआत करते हैं तो राइट साइड से करते हैं, तो आपने राइट नॉस्ट्रल को फ्री छोड़ना है, इस पर थंब प्रेस्ड नहीं रहेगा, और राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन, जब आप राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन कर लें तो अपने राइट नॉस्ट्रल को अपने थंब से क्लोज कर लें, थोड़ी देर होल्ड करेंगे आपके थंब से राइट नॉस्ट्रल, मिडिल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज रहेगा, और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज रहेगा, पॉइंटर और मिडिल फिंगर नीचे की तरफ बेंड रहेंगे। और अब आप ब्रीद आउट करेंगे, रिंग फिंगर हटाएंगे अपनी,
लेफ्ट नॉस्ट्रल से। इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपने ब्रीद इन करना है। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए, राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट कीजिए। यह है अनुलोम विलोम करने की सही फिंगर पोजीशन और सही प्रोसेस। तो आप इस तरह से कम 10 से 15 राउंड अनुलोम विलोम कीजिए और इसके 3 सेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ब्रेथ होल्ड करने में, अनुलोम विलोम करने में कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने राउंड को हर एक राउंड के बाद बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पहला राउंड कर लीजिए 10 बार, फिर दूसरे राउंड में आप 15 बार अनुलोम विलोम कर लीजिए, और तीसरे राउंड में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 20 बार कर लीजिए, कंफर्टेबल नहीं है तो 15 बार कर लीजिए। पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अब बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की। दूसरे प्राणायाम के लिए आपने क्या करना है, आपने ऐसे सुखासन में बैठना है, फिर से ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है 2 राउंड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे प्राणायाम जिससे हमारा जो दिमाग है वो ठंडा रहेगा, दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक रहेगी। उसके लिए आपकी जो 2 उंगलियां हैं वो आपके आईज की तरफ होंगी। पहली उंगली आपके आईब्रोस पर प्लेस्ड होगी, फिर आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके आँखों के कॉर्नर में, बिल्कुल जहाँ से आपकी आँखें शुरू होती हैं वहाँ पर प्लेस्ड होंगी। आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज पे प्लेस्ड होगी, और आपके जो थम्स हैं वो आपके ईयर्स पर प्लेस्ड होंगे। ऐसे आपकी फिंगर्स की प्लेसमेंट रहेगी। ये है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत, मैं आपको 2 प्राणायाम बता रही हूँ, शुरुआत भ्रामरी से करेंगे। ये आपकी फिंगर्स की प्लेसमेंट आपके फेस पर रहेगी, हल्का सा फिंगर्स आपके ये सारे पॉइंट्स हैं इनको प्रेस करेंगे, और उसके बाद आप डीप ब्रीद करेंगे, नाक से सांस लेंगे, उसके बाद आपके गले से आवाज़ निकलेगी। जब ये आवाज़ निकलेगी तो सारा वाइब्रेशन आपको नेक में फील होगा। ये 3 राउंड करने हैं। उसके बाद भ्रामरी के बाद आप उद्गीत का उद्गीत प्रैक्टिस करेंगे, उसके भी 3 राउंड है। उद्गीत में क्या करना है, आपकी आपके जो दोनों हाथ हैं वो चिन मुद्रा में रहेंगे। चिन मुद्रा का मतलब जो आपकी फर्स्ट फिंगर है और जो थंब है उनके टॉप पोर्शंस एक दूसरे को टच करेंगे, बाकी 3 फिंगर्स ओपन रहेंगे, आपके घुटने के ऊपर आपका दोनों हाथ प्लेस्ड रहेंगे, और आप ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए ओम बोलेंगे। तो आपको ये 3 बार करना है, ब्रीद इन ओ, जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको अपने नेक में वाइब्रेशन फील होगा, आपको अपने क्राउन एरिया में हेड के वाइब्रेशन फील होगा, और ये वाइब्रेशन भी हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, काम करने के लिए, रिलैक्स्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। ये था भ्रामरी और ये है उद्गीत। ओम, उद्गीत मतलब ओम का उच्चारण। इसके बाद आप ध्यान रखें, जब आप उद्गीत प्राणायाम करें तो आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपने उस ओम वाइब्रेशन को फील करना है अपने टॉप ऑफ द हेड क्राउन में, अपने नेक में, और आपके पेट से अगर आवाज़ आएगी तो आप वो वाइब्रेशन अपने पेट में भी फील करेंगे। इनिशियली जिसने भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं किया है वो पेट से आवाज़ का वाइब्रेशन नहीं फील कर पाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, लेकिन अगर आपके पेट से आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आप पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, और यही वाइब्रेशन गुड हार्मोन के रिलीज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे दिमाग को रिलैक्स्ड करने के लिए, काम डाउन करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये प्राणायाम करने से जो एक क्लटर ऑफ थॉट्स हो जाता है, जो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में इकट्ठा हो जाते हैं, उस क्लटर को दूर करने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप भ्रामरी और उद्गीत के भी 3 सेट से शुरुआत कर सकते हैं। पहले सेट में 3 बार आप भ्रामरी उद्गीत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाइए, 5 बार, 7 बार या 10 बार, जैसा भी आप कंफर्टेबल हैं। और जब आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें या फिर अनुलोम विलोम भी करें, तो आपने सिर्फ
अपनी साधना के बारे में, सिर्फ प्राणायाम के बारे में सोचना है। आपने अपनी ब्रेथ को फील करना है, आपने वो वाइब्रेशन फील करना है जो आपको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस हो रही होगी। बाकी अगर कोई भी थॉट आपके दिमाग में आता है तो उस थॉट को आने दीजिए और उसको वैसे ही सरपास कर दीजिए। तो ये तो हुए प्राणायाम। अब कौन कौन से आसन हैं जिसकी मदद से खराटों को कम किया जा सकता है और ज़्यादा खराटों से होने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं। दो ऐसे योगाभ्यास हैं जिन्हें अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये योगाभ्यास आपके पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो और सप्लाई को अच्छा करेंगे। और साथ ही अगर ये योगाभ्यास आप करेंगे तो गर्मी से जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके बाद नींद अच्छी नहीं आती है, हम जो हीट स्ट्रेस महसूस करते हैं जिससे कई बार रात को खर्राटों की समस्या भी होती है, तो वो समस्या भी दूर होगी, वो परेशानी जो है, वो प्रॉब्लम जो है, उसका भी सल्यूशन ये दो आसन है। हालाँकि ये दो आसन शुरुआत में थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपको सही टेक्निक मालूम है और अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ और बैलेंस आप बना सकते हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला आसन है किंग ऑफ आसना यानी कि शीर्षासन, हेड स्टैंड। दूसरा आसन है क्वीन ऑफ आसना यानी कि सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेड स्टैंड कैसे करें। ये आसन वही लोग करें जो पहले से हेड स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप हेड स्टैंड नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जब इस आसन को परफॉर्म करें तो आप वॉल का सपोर्ट लें, बिना सपोर्ट के आप ये आसन ना करें, वरना आपको इंजरीज हो सकती हैं, चोटें लग सकती हैं। तो 8-step प्रोसेस है हेड स्टैंड करने के लिए, उसकी पूरी टेक्निक है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप मेरी तरह वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आपके पैर मुड़े हुए होंगे और आप अपने पैरों के ऊपर बैठे होंगे, आपके जो हिप्स हैं वो आपके फीट पर प्लेस्ड होंगे। उसके बाद ये सबसे पहला स्टेप है। फिर आप नीचे बेंड होंगे जैसे मैं बेंड हो रही हूँ, और आप अपने हैंड्स को शोल्डर डिस्टेंस पे अपने सामने रखेंगे जैसे मैंने रखे हैं। उसके बाद आप अपने हैंड्स को मेजर करेंगे, अपने एल्बोस को मेजर करेंगे। मेजर ऐसे करना है, आप राइट हैंड से इधर पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से ऐसे अपने एल्बोस को पकड़ेंगे और ये शोल्डर डिस्टेंस पे आपने मेजर कर लिया। जब आप इसे मेजर कर लेंगे तो आप अपने हाथ ऐसे खोलेंगे, तो जहाँ पे आप जो पॉइंट्स आपने मेजर किए हैं, जहाँ पे आपके एल्बोज आ रहे हैं, यहीं पर आपके एल्बोज प्लेस्ड रहेंगे, यानी कि इतना ही डिस्टेंस आपके हाथों का रहेगा जब आप शोल्डर स्टैंड करने हेड स्टैंड करने जाएंगे। ये उसके बाद दूसरा स्टेप है, आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे, ऐसे इंटरलॉक करके आपने ग्राउंड पे प्लेस करनी है। यहाँ पे आपके एल्बोज आए थे और ये पैरेलली आपके जो हाथ हैं ऐसे ग्राउंड पे प्लेस्ड रहेंगे इंटरलॉक्ड। ये है स्टेप टू। अब स्टेप थ्री में आप अपने टॉप ऑफ द हेड यानी कि क्राउन एरिया को अपने इंटरलॉक्ड फिंगर के बीच में प्लेस करेंगे जैसे मैं प्लेस कर रही हूँ। स्टेप थ्री, आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे उसके बाद प्लेस करेंगे। अब स्टेप फोर में आप अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे। ये हो गया स्टेप फोर। अब आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड कीजिए, फिर बैलेंस बनाइए। जब बैलेंस बन जाएगा तो दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। उसके बाद ये है स्टेप फाइव। उसके बाद आप अपनी टेल बोन को टक करिए, टेल बोन टक्ड रहेगी, थोड़ी देर यहाँ पर बैलेंस बनाइए। उसके बाद आप अपने हिप को ओपन करेंगे, जो हिप बेंड था उसको ऐसे ओपन करेंगे। स्टेप सिक्स, उसके बाद आप पैरों को धीरे धीरे ओपन करेंगे। स्टेप सेवन, उसके बाद आप अपनी बॉडी अलाइन करेंगे, आपके हैंड्स, आपके फीट। अब नीचे आने का भी प्रोसेस बहुत इजी है, जैसे आप ऊपर गए थे वैसे ही आपने नीचे आना है। सबसे पहले आपने अपने घुटनों को बेंड करना है, उसके बाद आपके हिप बेंड होंगे ऐसे नीचे की तरफ, उसके बाद आप अपने फीट को फ्लोर पे लाएंगे धीरे धीरे आराम से बैलेंस करते हुए। पैरों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे, फिर आपके घुटने फ्लोर को टच करेंगे। उसके बाद आप सुखासन में बैठेंगे और फिर करेंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज से वापस आएंगे। हेड स्टैंड जब भी आप करेंगे तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप चाइल्ड पोज कर रहे हैं।
चाइल्ड पोज करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम हेड स्टैंड करते हैं तो हम अपने पैर हवा में और सर फ्लोट पे रखते हैं, यानी कि हम सर के बल हवा में खड़े होते हैं। नॉर्मली हम पैरों के बल ज़मीन पर खड़े होते हैं, तो जब हम पैरों के बल ज़मीन पर खड़े होते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि हमारे दिल से खून नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब हम ज़मीन पर सर के बल खड़े होते हैं तो उसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि जितना भी खून नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वो सारा खून अब सर की तरफ आता है। और इसलिए हमारे ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन के सप्लाई को ये जो खून सर की तरफ बहता है वो बढ़ाता है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्रेन में ब्लड की कमी से होती हैं, तो उन बीमारियों के ख़तरों से भी हमें बचाता है। और ख़ासकर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की परेशानी से, डिमेंशिया की परेशानी से, कई बार याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ओमेगा की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उन सारी कमियों से हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को बचाता है। और गुड हार्मोन के रिलीज के लिए भी हेडस्टैंड एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आप सभी को करनी चाहिए। और हेडस्टैंड करने के बाद शशकासन इसलिए करना चाहिए, चाइल्ड पोज इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो ब्लड का फ्लो हमारे सर पे गया है, टॉप ऑफ द हेड पे गया है, वो धीरे धीरे शरीर के बाकी हिस्सों में वापस लौटे। आप हेडस्टैंड करने के बाद अगर एकदम से खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी आँखें बहुत लाल हो गई हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका जो बॉडी का ब्लड है और ब्लड का जो फ्लो है वो सब आपके शरीर में चला गया है, इसलिए आपकी आंखें लाल हो गई हैं। तो इसलिए हेडस्टैंड करने के बाद चाइल्ड पोज करना, शशकासन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे आसन की। दूसरा आसन है सर्वांगासन, यानी कि शोल्डर स्टैंड। शोल्डर स्टैंड के लिए आप सबसे पहले पीठ के बल अपने मैट पर लेट जाइए, जैसे मैं लेट रही हूँ, ये आपकी पोजिशन रहेगी। ऐसे आप अपने फ्लोर पर लेट जाइए, पैर आपके सीधे रहेंगे, उसके बाद हाथ आपके हिप्स के बगल में, धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू कीजिए। आपके पैर इतने ऊपर उठ गए, फिर आपने अपने हाथों से ज़मीन को पुश करते हुए अपने लोअर बॉडी को, यानी कि अपने हिप और लोअर बैक को ऊपर उठाना है, ऊपर की तरफ ऐसे। जब आपने इसे ऊपर उठा लिया, फिर आप अपने हाथों से अपने लोअर बैक को ऐसे पकड़ेंगे जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। और जब आप अपने लोअर बैक को पकड़ेंगे तो ध्यान रखिए जो चार उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ होंगी, पीछे की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, ऐसे आपका बैलेंस बनेगा। जब आप अपने लोअर बैक को पकड़ेंगे तो ध्यान रखिए जो आपकी चार उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ होंगी, यानी कि कमर की तरफ, और अंगूठा अंदर की तरफ, ये ऐसे बैलेंस बनेगा। ऐसे आप अपने शरीर को होल्ड करेंगे, उसके बाद ऐसे पैरों को बेंड करते हुए धीरे धीरे आपने नीचे आ जाना है, जैसे मैं धीरे धीरे नीचे आ गई। जब आप शोल्डर स्टैंड करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे। आपने किसी भी आसन के प्रोसेस को रश नहीं करना है, एकदम से झटके से ऊपर या झटके से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप झटके से ऊपर जाएंगे या झटके से नीचे आएंगे तो कई बार आपको इस दौरान इंजरीज हो सकती हैं, मसल इंजरी हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है। तो धीरे धीरे जब आप ऊपर जाएंगे या धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेगी। और जो आपकी हैंड प्लेसमेंट रहेगी वो आपकी कमर पर रहेगी, यहाँ पर, ये जो आपका कमर का हिस्सा है आपकी नेवल से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपकी हैंड प्लेसमेंट रहेगी, आपका जो लास्ट रिब है उसके पास। चार उंगलियाँ जो हैं वो पीछे की तरफ रहेंगे आपकी कमर की तरफ, आपका अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, और आपके जो एल्बोस की अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट रहेगी। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। ऐसे आप फ्लोर पर लेट जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे, ये आपके जो एल्बोस की अलाइनमेंट है, ये देखिएगा, शोल्डर से लेकर एल्बो जहाँ पे प्लेस्ड है वो पूरा सीधा रहेगा। और इस आसन को आपने 15 से 30 सेकंड तक इनिशियली होल्ड करना है। कोशिश रखिए कि पैर आपके सीधे रहें, हिप और आपके जो फीट हैं वो एक लाइन में रहें, घुटने ना मुड़े, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आप नीचे आ जाएंगे।
आप चाहें तो मेरी तरह हलासन में आने के बाद फिर नीचे आ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप एक एक पैर नीचे लाके भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अलाइनमेंट ठीक रखिएगा, क्योंकि अगर अलाइनमेंट ठीक रहेंगी, आसन करने का तरीका ठीक होगा, तो उसका फ़ायदा भी आपके शरीर को ज़्यादा मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप इन 5 प्रैक्टिसेस को भी रेगुलरली कर लें, हेड स्टैंड, शोल्डर स्टैंड, इसके अलावा अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, 3-2 योगाभ्यास हैं और 3 प्राणायाम हैं, अगर आप इन्हें रेगुलरली करेंगे तो ये जो डिसऑर्डर है, स्लीप एपनिया की परेशानी है, खर्राटे लेने की परेशानी है, या मूड ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो इन प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा, निजात मिलेगी। धन्यवाद।